हे माता आदिशक्ति। नमो नमो महाशक्तिमा, नमो नमो पराशक्तिमा, नमो नमो महाशक्तिमा। खड़गधारिणी धर्मधारिणी, हम सब की विनती सुनो। माँ आदिशक्ति बहुत ही क्रोधित लग रही हैं। अवश्य इन्हें ज्ञात है कि मैंने कामदेव को शिव जी पर बाण चलाने के लिए विवश किया है, कहीं माँ मुझे मृत्यु दंड ना दे दे। आप सबने इतनी बड़ी योजना बनाने से पूर्व ये विचार तक नहीं किया
कि जिस संसार को बचाने के लिए अब कामदेव का प्रयोग कर रहे थे वो संसार ही नहीं बचेगा। यदि कामदेव का अस्तित्व समाप्त हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए मां, ये भूल मेरी है। सत्य तो ये है कि तारकासुर के आतंक के सामने कुछ और सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो गई थी, पर एक अपराधी को दंड दिलाने की व्याकुलता में स्वयं मैं अपराध कर बैठा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मां, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मुझ पे दया कीजिए, मुझे मेरी पीड़ा से मुक्ति दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए। जिस संसार में मेरे स्वामी है उसमें क्षण भर की सांस लेना मेरे लिए असंभव है। मेरा जन्म ही प्रेम के विस्तार के लिए हुआ था मां, प्रेम ही मेरी प्राणवायु है, मेरे जीवन का आधार। और जब साक्षात प्रेम स्वरूप मेरे स्वामी ही नहीं रहे तो मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं। अपने पति से मेरा कितनी पीड़ादायक होती है ये आप सदी को कौन समझ। मुझे क्षमा करिए, अपनी पीड़ा में मैं भावुक हो गई थी। देवराज के दबाव में ही सके, परंतु कामदेव से भूल तो हुई है ना पुत्री। और एक बार यदि महादेव के तीसरे नेत्र से कोई भस्म हो गया तो उसे पुनः उसी स्वरूप में जीवन करना असंभव है। परंतु तुम दुखी मत हो पुत्री, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। अदृश्य रूप में कामदेव इस प्रकृति में सदा विद्यमान रहेंगे और केवल तुम ही उन्हें देख सको। कुछ समय पश्चात द्वापर युग में जब नारायण श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र प्रद्युमन के रूप में तुम अपने पति को पुनः प्राप्त करोगे देह के साथ।
माता आदिशक्ति, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और अब क्या आज्ञा है मां? क्या महादेव ने मुझे अपनी पिछली जन्म के भूल के लिए अब तक क्षमा नहीं किया? मुझे पहचान लिया था उन्होंने, फिर भी यदि वो मुझसे दूर रहना चाहते हैं तो एक बार फिर मैं उनकी इच्छा का विरोध कैसे कर सकती हूँ? ऐसा क्यों कर रही हैं माँ? माना हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, किंतु महादेव को बिना मिले क्यों जा रही हैं माँ? इसके बाद देवी पार्वती अपने पिता महाराज हेमवंत के महल लौट आए। पुत्री, किंतु उनका हृदय अभी भी कंदरा में ही था। महादेव को देखने के बाद, अपने प्रिय को पहचानने के बाद उनसे वियोग और भी कठिन हो गया था। यहां देवी पार्वती के मन के सागर में ऊंचे ऊंचे लहरें उठ रही थी और दूसरी ओर देवता चिंतित थे। महादेव और देवी पार्वती को मिलाने के उनके सारे प्रयास विफल हो गए थे और वहां तारकासुर का आतंक बढ़ते ही जा रहा था। ऐसी स्थिति में आगे का मार्ग जाने की इच्छा रखकर वो प्रभु विष्णु के पास गए। महादेव और माँ पार्वती का योग कराने के हमारे सभी प्रयास असफल हो गए हैं प्रभु, आप तो सब जानते हैं। जब तक उनका मिलन नहीं होगा वो पुत्र उत्पन्न नहीं हो पाएगा जो तारकासुर का वध करने में सक्षम हो। अब तो आप ही कोई मार्ग दिखाइए प्रभु, क्या करना चाहिए हमें? ऐसे में हम प्रार्थना के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते हैं देवराज। अब केवल एक ही मार्ग है जिसका अनुसरण करके महादेव को समाधि से बाहर लाया जा सकता है, और वो है भक्ति का मार्ग। महादेव को साधना से जगाने के लिए उनका आवाहन करना होगा। आपकी पीड़ा से अवगत, किंतु हम आपके लिए कुछ विनती लेकर आए। कहिए सखा। क्या हुआ सखा? देवी पार्वती तो देवी सती का ही अवतार, ये जानकर भी आप उनसे विमुख? दुख का वास्तविक कारण है मोह, ये तो आप भली भांति जानते हैं सखा। मुझे सती रूप से इतना मोह हो गया था
क्योंकि मैं अपने आप पर नियंत्रण ही खो बैठा था। संयम को वापस पाने के लिए मुझे बहुत समय लगा, और यदि फिर से वैसा ही कुछ हो गया तो उसे सहना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा। सखा, अतीत के कर्मों को किसी के आज से जोड़ना कितना उचित है ये निर्णय लेने में आप सक्षम हैं महादेव। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि देवी पार्वती इस जन्म पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित है। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए, क्या उस सेवा में आपको प्रेम दिखाई नहीं दे रहा? सत्य कह रहे हैं सखा, उनके प्रेम उनकी सेवा से अछूता नहीं हूं मैं। इतने समय बाद जब वो मेरे समक्ष आए और मुझे जो आभास हुआ उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई मेरा ही अंग मुझसे बिछुड़ गया था, और फिर से मेरे सामने आ गया। उनकी स्थिति भी ऐसी ही है महादेव। जब से आपने उन्हें अस्वीकार किया लगभग प्राणहीन हो गई हैं। बस जैसे सांसें ले रही, संभवतः किसी चमत्कार की आशा। आप दोनों का एक होना नियति, ये विवाह जितना आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही आवश्यक इस संसार के लिए भी है। यदि आप दोनों के मिलने में और विलंब हुआ तो तारकासुर संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश कर दे। तारकासुर के आतंक से सृष्टि को मुक्त कराना तो आवश्यक है, किंतु ये जाने बिना कि जो अबोधपन पार्वती के मन के अंदर उनके पिछले जन्म में था वो इस जन्म में है या नहीं, मैं उन्हें अपना नहीं सकता।